by BSC's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल के नए सीज़न में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके ढेरों खत, ईमेल्स और बेशुमार प्यार ने हमें एक बार फिर से आपके रूबरू ला खड़ा किया है। पैसा वसूल के इस नए अवतार को हमने चार सेगमेंट्स में बांटा है, व्यय, आय, संचय और उपाय। शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें हम हर हफ्ते आपके समक्ष पेश करेंगे एक परिवार और उसकी आर्थिक स्थिति, साथ ही जानेंगे उस परिवार की वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई विशेष सलाह। लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस हफ्ते की सुर्खियां। खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी, बाजार में 0% इंटरेस्ट स्कीम की वापसी हुई है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब भी आपके पास समय बचा है। आयकर विभाग 31 मार्च 2014 तक रिटर्न स्वीकार करेगा। मौजूदा विकास दर, आधार और लिंग भेदभाव के कारण भारत में महिलाओं को पूर्ण साक्षर बनाने में करीब 56 साल और लगेंगे। यह निष्कर्ष यूनेस्को द्वारा जारी एक डेटा के आधार पर निकला है। देश में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कवर लेने में महिलाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों से बढ़ी है। एक सर्वे के अनुसार कुल बीमित की गई संख्या में करीब 30% महिलाएं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2005 तक बने सभी नोटों को बैंकों में बदलने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। लोग अब 1 जनवरी 2015 तक पुराने नोटों को बैंकों में बदलवा सकते हैं। आज की कड़ी में हम एक ऐसे परिवार की वित्तीय अवस्था पर चर्चा करेंगे जिसमें पूरा परिवार सिर्फ एक ही शख्स की आय पर निर्भर करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट व्यय से, जहां हमारी संवाददाता रत्ना नायर आपको ले चलेंगी एक लेक्चरर के घर। आज के एपिसोड में हम रूबरू होंगे श्री अमरेश यादव से, जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। ये है अंधेरी के पूनम नगर में स्थित अमरेश जी का घर। अमरेश जी लगभग 14 वर्षों से मुंबई शहर के बाशिंदे हैं। उनका परिवार आर्थिक तौर पे संपूर्ण रूप से उन पर निर्भर है। कॉलेज में लेक्चरर होने के नाते मुझे फिक्स पेमेंट मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली 50-55 के बीच में डिडक्शन के साथ आता है, तो करीब करीब 6.5 लाख रुपए मतलब सालाना मेरी इनकम हो जाती है। यादव परिवार का कुल व्यय लगभग 30-35 हज़ार रुपए है, जिसमें रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि शामिल है। बेसिकली होली, दिवाली और हमारे यहाँ जब गणपति महोत्सव और ये दुर्गा पूजा, ये जो दोनों फेस्टिवल हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, उस टाइम हमारे खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अमरेश जी की 5 जीवन बीमा पॉलिसीज हैं, जिनमें से 3 मनी बैक और 2 टर्म पॉलिसीज हैं। वे इन पॉलिसीज पर सालाना कुल 40 हज़ार प्रीमियम भरते हैं और मैच्योरिटी पर उन्हें 8 लाख रुपए प्राप्त होंगे। उनका कोई मेडिक्लेम नहीं है। अमरेश जी के बड़े बेटे के MBBS पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर्स एम्प्लॉय सोसाइटी से उनके वेतन का 30 गुना रकम प्राप्त हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने या सोने पर कोई निवेश नहीं किया है, परंतु उन्होंने 1 लाख रुपए का एक प्लान किया है, जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट 6.5 लाख रुपए है। यादव जी का घर लोन पर लिया हुआ है, जो उन्होंने चुका दिया है। उनके पास एक 2-व्हीलर गाड़ी है जो इंश्योर्ड है। उनके गांव में थोड़ी जमीन है जो लीज पर दी हुई है। अमरेश जी ने रिटायरमेंट के लिए कोई विशेष प्लानिंग नहीं किया है। उनके प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाली पूंजी ही उनका निवेश है। आखिर में यादव जी हमारे एक्सपर्ट से कुछ वित्तीय सलाह चाहते हैं। हमारी एक हार्दिक तमन्ना है कि मेरी बेटी भी बच्चों जैसा, जैसे मेरा बड़ा MBBS कर रहा है या छोटे वाले का भी प्लानिंग है, 10th स्टैंडर्ड में है तो प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे ही बेटी को भी, तो हम एडवाइस यही लेना चाहें कि कैसे कम पैसे में अपना खर्चा चलाएं। तो आपने देखा कि कैसे श्री अमरीश यादव अपने परिवार का आर्थिक भार संभाल रहे हैं। अमरीश जी की इन्हीं समस्याओं पर सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट श्री हर्ष श्रृंखला की राय। तो अच्छी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। ये जो 15,000 बचता है, ये उनको कम्प्लीटली निलेश, जो इनका सन है उसकी एजुकेशन के लिए अगले 3 साल तक लगाना होगा। थोड़ी सी रिस्क अगर ये ले सकते हैं तो ये
इनकम फंड या एक डायनामिक बॉन्ड फंड देख सकते हैं, उसमें थोड़ी सी रिस्क है रिलेटिव टू अ रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन पूरे पैसे अगर जमा नहीं होते हैं तो इन अमरीश जी ने कहा है कि इनको टीचर्स सोसाइटी से लोन मिल सकता है, तो वो लोन लेकर वो लोन की इंस्टॉलमेंट इसी से पूरी हो जाएगी। तो एक खींचतान करके मेरे ख्याल से श्रुति का जो हायर एजुकेशन का गोल है वो भी शायद पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें पैसा हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट पड़े। अमरीश जी ने कहा है कि इन्होंने 1,00,000 रुपये एक पैरा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जमा करा रखा है, तो ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। अगर पॉसिबल हो तो उसे तुरंत विड्रॉ करके उसको कोई बैंक के FD में लगा दें या इनकम फंड में लगा सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होगी, थोड़ा सा शायद रिटायरमेंट एज इनको आगे करना होगा और थोड़ा सा रिवर्स मॉर्गेज ये अपने एग्जिस्टिंग घर पर कर पाएंगे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार है एजुकेशन लोन पर एक स्टोरी और निवेशकों के लिए कुछ खास सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. Sex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSC all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा पहले के मुकाबले आजकल ज़्यादा छात्र उठा रहे हैं। एजुकेशन लोन क्यों है ज़रूरी और इसे लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। आज की इस महंगाई में बच्चों की उच्च शिक्षा माता पिता की सबसे बड़ी समस्या होती है। अच्छी नौकरी के लिए MBA इंजीनियरिंग तो आम हो चुके हैं। आपका बच्चा एक साधारण से कॉलेज से भी MBA करता है तो भी कम से कम 8,00,000 रुपये खर्च पड़ ही जाता है। जो इतना खर्च करने में असमर्थ है उनके लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध है। उसमें दो प्रकार हैं, एक तो नॉर्मल स्टूडेंट लोन और दूसरा स्कॉलर लोन। स्टूडेंट लोन जो है वो ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है और स्कॉलर लोन फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ यानी आउटसाइड इंडिया, वो बच्चों के लिए दिया जाता है। भारत में यदि पढ़ाई के लिए लोन है तो 10,00,000 के लिए और भारत के बाहर 30,00,000 की कैपिंग है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 2003 में जहां 2,986 करोड़ रुपए शिक्षा ऋण के रूप में वितरित किया है, वही 2012 में ये बढ़कर 48,400 करोड़ रुपए हो गया। इस राशि में से 90% से ज्यादा सरकारी बैंकों ने 2012 में 46,740 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया। एक अनुमान के अनुसार यह 10% की सालाना दर से बढ़ेगी। एजुकेशन लोन बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको बैंक पैसा प्रोवाइड करते हैं। आप पढ़ लो दो साल के बाद आपको जॉब लगने के बाद आप बाद में इंटरेस्ट भरो और बाद में पैसा रिकवर करो, बहुत हेल्प भी होता है स्टूडेंट्स को। शिक्षा ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन और जरूरतमंद को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता के अभाव के कारण किसी योग्य छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रखा जाए। एजुकेशन लोन छात्रों की पढ़ाई में पड़ने वाली आर्थिक रुकावटों को दूर करता है, पर ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन ही एकमात्र विकल्प हो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिसेस दीना मेहता बता रही हैं किस तरह से बचत और निवेश का सहारा लेकर आप अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। माता पिता की दो ही खास आशाएं रहती है, तीन समझ लीजिए, एक तो अपना घर हो, दूसरे बच्चे को अच्छी शिक्षण दे पाए और तीसरा बच्चों की शादी अच्छी से कर पाए। उसके लिए हमें लंबे समय के लिए बचत करना बहुत ही आवश्यक है।
एजुकेशन के लिए हर महीना पैसा अलग से रखना, और ऐसे विकल्पों में हमें निजी रखनी चाहिए कि इस पैसों से ज़रूर से हमें एक बड़ा सा जिसको कॉर्पस कहते हैं, या तो एक बड़ा सा अमाउंट 10 या 15 साल बाद हमें उपलब्ध हो। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स के SIPs हैं, हर महीने आप कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए तो आपको एजुकेशन के लिए आप एक फ़ंड बनाइए, और उसमें 10 या 15 साल का होराइज़न अगर आप रखते हैं तो आपको ज़रूर से बहुत ही बड़ी रकम 10 या 15 साल के अंत में मिल सकती है। तो SIP करना, बचत करना और एजुकेशन, अगर पैसे फिर भी कम पड़े तो एजुकेशन लोन लेना, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आई में। देखते रहिए पैसा वसूल। Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. The Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back. अब हम आपको ले चलेंगे पैसा वसूल के दूसरे सेगमेंट आई में, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जिन्होंने IIT की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसे रूप दिया एक सफल व्यवसाय का। ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली फर्म्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही फर्म की शुरुआत मुंबई के पवई इलाके से हुई है। Topper.com नाम की ये कंपनी देश भर में IIT की तैयारी करने वाले छात्रों पर फोकस कर रही है। Topper.com के संस्थापक जीशान हयात का कहना है कि जो छात्र IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके अभ्यास के लिए ये प्राइमरी सोल्यूशन है। लाखों लोगों के पास अब कंप्यूटर भी है और फोन भी है और इंटरनेट एक्सेस भी है, तो हमें लगा कि एजुकेशन फील्ड में हमारा जो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड है वो यूज करके हम कुछ अच्छा बना सकते हैं। 2005 में IIT बॉम्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जीशान ने करीब 3 साल तक विभिन्न कंपनियों में नौकरी की। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें लगभग 60,000 क्वेश्चन है। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अनलिमिटेड टेस्ट ले सकते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो सिस्टम आपको सजेस्ट करता है कि आप सिस्टम आपको बोलता है कि आपके ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इन पे ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया आपका वीक है। सिस्टम आपके साथ चलता है और आपको एक तरीके से गाइड करता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। जीशान का कहना है कि ये क्लासरूम का विकल्प नहीं है। छात्रों को क्लासरूम में सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद बचे हुए समय में वो इस साइट पर प्रैक्टिस करें। IIT से इंजीनियरिंग करने का सपना रखने वाले छात्रों के लिए ये साइट मददगार साबित हो सकती है। आज की महंगाई के कारण अपना खर्च निकालना और सेविंग्स करना बड़ा ही जिम्मेदारी और मुश्किल भरा हो गया है। ऐसे में जरूरत है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि वैकल्पिक आय स्रोत की। अपने मुख्य पेशे के अलावा वैकल्पिक आय से आपके आर्थिक हालात कैसे मजबूत हो सकते हैं, आइए जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। मूल्य वृद्धि और नौकरी के कमी के कारण वैकल्पिक आमदनी हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है। वैकल्पिक आय ना कि आपको अतिरिक्त आय करने में मदद करती है, बल्कि ये अपने बजट को अनुशासित रखने में भी मदद करते हैं। कुछ ऐसे ही मंशा रखते हैं मिसेस लूम्बा, जो 5 साल से अपने घर पे प्ले स्कूल चला रही है। हस्बैंड का थोड़ा सा बिजनेस स्लो था, तो आई सेड मैं उसकी हेल्प उनकी करना चाहती हूँ हेल्प।
सो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन, यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज। इस प्ले स्कूल से मिसेस लुम्बा अपने घर के खर्चे में 50% योगदान करती है। बच्चों की स्कूल, ट्यूशंस आदि के खर्चे में इस वैकल्पिक आय से उनको काफी मदद मिल रही है। अगर आप भी अपने घर पे प्ले स्कूल खोलने की इच्छा रखते हैं, तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त वातावरण, बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल और खेलने के लिए पर्याप्त जगह, और सबसे जरूरी है एक पेशेवर दृष्टिकोण और बच्चों को प्यार से सिखाने की महत्वाकांक्षा। तो आपने देखा कि कैसे वैकल्पिक आय से आप अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बचाई हुई रकम से आपके आर्थिक सेहत को भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम आपको देंगे बचत और निवेश के विकल्पों की जानकारी और हमारे एक्सपर्ट द्वारा इस विषय पर कुछ खास सलाह। देखते रहे पैसा वसूल। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पैसा वसूल और मैं हूं श्रुति। अधिकांश लोग अपनी बचत को ही निवेश समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बचत और निवेश में इस बारीक अंतर को समझा रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। सुरक्षित भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बहुत ही जरूरी है और आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत निहायत ही जरूरी माना जाता है। आज हर आर्थिक वर्ग का व्यक्ति किसी न किसी रूप में बचत करने का कोई न कोई उपाय जरूर करता है। निवेश करने के गुण सीखने से पहले यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि बचत और निवेश में अंतर क्या है। इनकम माइनस योर एक्सपेंस, दैट इज इक्वल टू सरप्लस और वी कैन से सेविंग्स। अब ये सेविंग्स जो सरप्लस है वो सेविंग जरूर है, लेकिन हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। जो बचत आप करते हैं उस पर भविष्य के लिए रिटर्न अर्जित करने की यही प्रक्रिया निवेश कहलाता है। आज के हालात को देखते हुए एक बात और महत्वपूर्ण है कि आपके निवेश पर महंगाई का असर। निवेश और महंगाई का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। समझिए कि आपके पास आज 10,000 रुपए हैं और वो 10,000 रुपए आपने कहीं निवेश न करते हुए किसी तिजोरी में बंद करके रख दिए, तो धीरे धीरे उसकी परचेसिंग पावर कम होती जाएगी। अगर आज का महंगाई का दर 8% अगर हम मानते हैं, तो आज से 5 साल के बाद वही 10,000 की परचेसिंग पावर, आज के 10,000 की परचेसिंग पावर घटकर 6,806 रुपये हो जाएगी। 10 सालों के बाद वो घटकर 4,632 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे परचेसिंग पावर में गिरावट आती रहेगी। अपने सपनों को साकार करना है तो पहले बचत करें और फिर सपनों को मूर्त रूप देने के लिए इस बचत को निवेश करें। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक सक्षम बाजार उपलब्ध करवाने के साथ ही निवेशकों के हितों की सुरक्षा भी करता है। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए BSE ने 1986 में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये फंड के मुताबिक अगर आप BSE मेंबर से ट्रेड करते हो एंड वो ट्रेड आपको पैसा नहीं दिया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ये फंड से हम लोग इन्वेस्टर को कुछ पैसे देते हैं। पहले 86 में चालू किया था, तभी 10,000 कुछ था, बाद में हम लोग बड़ा बड़ा के अभी 15 लाख तक देते हैं। इसके लिए अपने पास ही आपको ये आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है। आर्बिट्रेटर लोग हम लोग अपॉइंट किया है, आउटसाइड एक्सपर्ट्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिटायर्ड जजेस है, वो पैनल से आपको ही मेंबर को चुनना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना सुरक्षित है और BSE के तरफ से 15 लाख तक आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। 3 साल पहले हम लोग IPF सेक्रेटेरिएट करके क्रिएट किया है, सेटअप किया है। इसके द्वारा अभी 13 जगह पे हम लोग ब्रांचेस है अपना। नॉर्थ में दिल्ली और जयपुर में, ईस्ट में कलकत्ता में ऑफिस है, वेस्ट में मुंबई के अलावा अहमदाबाद और राजकोट में ऑफिस है,
और साउथ में चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड कोचिन में तीन जगह पे हम लोग अभी जून तक खोलने वाला है, लखनऊ, पटना एंड बड़ौदा, ये जगह पे ओपन करके हम लोग को इन्वेस्टर को वही जगह पे जाके इन्वेस्टर्स का सर्विस करते हैं। अगर आपको कुछ कंप्लेंट है कंपनी के साथ या बीएससी ब्रोकर के साथ, आप कंप्लेंट लॉज कर सकते हो और हम लोग इन्वेस्टर सेंटर के अपना ऑफिसर के मुताबिक हम लोग ब्रोकर को बुला के रिजॉल्व कर देते हैं। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए हमारा चौथा सेगमेंट उपाय। Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा, अब तुम आज के एनएवी पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का एनएवी। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. स्वागत है आपका पैसा वसूल के चौथे सेगमेंट उपाय में। सूचना और तकनीक के जमाने में अब छात्रों के हाथ में किताब नहीं बल्कि टैबलेट होंगे। आकाश टैबलेट किस तरह छात्रों को पढ़ने में मददगार रहा है, इस पर देखेंगे एक रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उच्च शिक्षा से सुदूर क्षेत्र के छात्रों को जोड़ने के प्रयासों के तहत भारत सरकार ने एंड्रॉइड आधारित आकाश टैबलेट अक्टूबर 2011 में 1500 रुपए में पेश किया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत देश के 25,000 कॉलेजेस और 400 यूनिवर्सिटीज को जोड़ना है। बॉम्बे ने आकाश टैबलेट के लिए काफी एप्लीकेशन बनाए हुए हैं, कंटेंट्स भी बनाए हुए हैं जो कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के लिए यूज होते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में अभी बताऊंगा। क्लिकर एप्लीकेशन जो कि एक स्टूडेंट्स रिस्पांस सिस्टम है। इस समय 300 इंजीनियरिंग कॉलेजों में आकाश टैबलेट के माध्यम से छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। वी हैव प्रोवाइडेड इन मैथ्स, वी हैव प्रोवाइडेड सम साइंस की क्विजेस एंड वी हैव प्रोवाइडेड सम ज्योमेट्री अलजेब्रा। शहरों में और बड़े शहरों में और गाँव में वो अगर हम गैप को भर कम कर देते हैं तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम वो प्रोग्राम्स किसानों के भी टैबलेट्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं। आकाश टैबलेट देश में टीचिंग पैटर्न को पूरी तरह से तो बदल नहीं देगा, लेकिन बच्चों को खुद पढ़ने की आदत में जरूर बदलाव लाएगा। अब हम आ पहुंचे हैं इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर। चलते चलते देखेंगे इस साल किन किन क्षेत्रों में कितनी नौकरियां होंगी उपलब्ध। पेश है इसी पर एक खास फीचर। नौकरी ढूंढने वालों के लिए साल 2014 खुशियों भरा हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार FMCG और हेल्थ सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस साल बीते साल की तुलना में 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का आकलन है। सिचुएशन है वो काफी गंभीर रहा है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री उतनी पिकअप नहीं कर पाई है, लेकिन ऑफ लेट एक चेंज आ रहा है बोथ इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में, जहाँ काफी सारे सेक्टर्स खुल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी सारे नौजवानों को और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 8.5 लाख नौकरियों में से करीब 50% नौकरियां FMCG, हेल्थ केयर और IT सेक्टरों से पैदा होंगी। इसके अलावा रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट में पैदा होंगी। 2013 में नौकरियों की संख्या उम्मीद से कम रही, 2014 से काफी उम्मीदें हैं। कंपनियां अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खाली पड़े स्थानों पर नियुक्तियां करेंगी। पैसा वसूल का ये नया रूप आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Ra Media.